सरकार ट्रांसफर नहीं बल्कि ट्रांसफर के नाम पर तमाशा करना चाहती है। आपको बता दें कि बिहार के शिक्षकों का ट्रांसफर के लिए जो नियमावली बनी है, उस नियमावली में जिस तरीके का भेद डाला गया है, जिस तरीके से नियमावली में विभिन्न तरह के बिंदु डाले गए हैं, वह कहीं ना कहीं शिक्षकों को ट्रांसफर नहीं करने का एक बहुत बड़ा साजिश किया गया है, ताकि शिक्षक सक्षमता पास करके राजकर्मी बने ही नहीं। क्योंकि पहले जब कही गई थी कि मेघा अंक के आधार पर आपका अपना जिला मिलेगा और उस जिले में आपका पदस्थापन होगा, लेकिन अब बात कुछ और निकल के आ रही है। अब आपको अपना जिला छोड़ के जाने तक की बात हो गई है, क्योंकि जब अपने आप जिला में आप क्यों नहीं रह सकते हैं। आपको बता दें कि अनुमंडल स्तर पर जो पुरुष शिक्षक हैं, तो पुरुष शिक्षक को अनुमंडल स्तर पर उन्हें ट्रांसफर किया जाएगा, और बहुत सारे जिलों में अनुमंडल एक ही है, तो वैसे परिस्थिति में जो शिक्षक हैं उनको दूसरे जिला जाना होगा। तो फिर सरकार की पूर्व की नियमावली का क्या होगा? सरकार अगर चाहती तो जिस विद्यालय में शिक्षक थे उसी विद्यालय में उन्हें राजकर्मी घोषित कर देती, लेकिन सरकार चाहती ही नहीं है कि शिक्षकों को शांत रहने दे। शिक्षकों को आपस में लड़ाने के लिए, शिक्षक को बराबर आंदोलित करने के लिए, जबरदस्ती आंदोलन में ढकेलने के लिए, या फिर कहे तो शिक्षक से अपनी दुश्मनी निकालने के लिए सरकार इस तरीके का फरमान जारी करती है। तो शिक्षक जो की जो स्थिति बनी हुई है, जिस तरीके से शिक्षक सक्षमता उत्तीर्ण होने के बाद, जो प्रथम सक्षमता हुआ था उसको उत्तीर्ण करने के बाद उनकी काउंसलिंग हुई है और उनका पदस्थापन होना है, तो उनका पदस्थापन में जिस तरीके का नियमावली ला दिया गया है, अब वो शिक्षक संभवतः नहीं जाएंगे, वो नियोजित रहना ही पसंद करेंगे। साथ ही साथ जो मूल वेतन का मैटर है वो भी बहुत बड़ा मुद्दा बनकर सामने आया है। कहने का मतलब यह है कि मूल वेतन में भी कटौती की जा रही है। ऐसे परिस्थिति में शिक्षकों को जो मिलने वाला राशि था, हाथ में मिलने वाला राशि था, वो कम जाएगा। तो यहाँ पर वेतन संरक्षण की जो बात कही जा रही थी वो भी खोखला साबित हो रहा है। वेतन संरक्षण के नाम पर वेतनमान का जो संरक्षण होना चाहिए था वो नहीं किया जा रहा है, बल्कि उसमें कटौती कर करके जो पुराने शिक्षक हैं उन्हें घाटे में डालने का काम सरकार कर रही है। तो चूंकि राजकर्मी बनने ही नहीं देना है, राजकर्मी बनने के लिए जो क्राइटेरिया शब्द डाला गया है उसमें शिक्षक स्वयं ही नहीं जाएंगे। दूसरी बात कि इस तरीके का जो भेद डाला गया है, उस भेद के आधार पर शिक्षक कोर्ट जाएंगे या फिर आंदोलन करेंगे, या फिर सरकार का खुद का चुनाव होने वाला है, विधानसभा का चुनाव 2025 में, उस चुनाव का ये मुद्दा गर्म करना चाहती है, शिक्षकों को गलत साबित आम जनता के बीच में करना चाहती है कि इनका हम ट्रांसफर करना चाहते हैं लेकिन वो नहीं जाना चाहते हैं, इनको हम राजकर्मी बनाना चाहते हैं लेकिन नहीं बनना चाह रहे हैं। बहुत सारी बातें हैं जिसके मुद्दे पर सरकार अपना वोट बैंक, जो आम जनता का वोट बैंक है, उसे बढ़ाने का प्रयास करेगी, और इसी सब के चलते ये सब आनन फानन में नियमावली लाई गई है। इसके अलावा भी आपको बता दें कि जो बीपीएससी में फर्जीवाड़ा हुआ है उसको भी छुपाने के लिए इस नियमावली को लाया गया है, ताकि बीपीएससी के द्वारा जो यूपी के शिक्षक जो बहाल हुए हैं या अदर स्टेट के शिक्षक बहाल हुए हैं उसमें फर्जी शिक्षक निकले हैं, उनकी लिपापोती करने के लिए ये सब नियमावली लाया गया है, ताकि वो लोग अपने सुदूर जगह से निकल करके अपने बॉर्डर के इलाके में चले जाएंगे जहां पर वो सुरक्षित हो जाएंगे, उनके लिए तो ये वरदान साबित होगा। लेकिन जो शिक्षक 17 साल, 18 साल, 20-20 साल से काम कर रहे हैं, उनके लिए ये अभिशाप के रूप में ये नियमावली आई है, और इस नियमावली का निश्चित तौर पर शिक्षक नेतृत्वकर्ता जो हैं वो लोग इसका खुलकर के विरोध कर रहे हैं। विरोध का सूर्य जारी हो चुका है, जो लोग सपोर्ट अभी तक करते आए हैं उनका भी विरोध जारी हो गया है। कहने का मतलब है कि राजकर्मी की मांग जो शिक्षक कर रहे थे, उस समय जो नियमावली बनी तो परीक्षा बिना शर्त की बात हुई, फिर परीक्षा की बात हुई शिक्षक उसको भी मान लिए, लेकिन शिक्षकों के साथ लगातार भेदभाव और कुटिल नीति अपनाते हुए शिक्षकों को बार बार तंग करने का काम किया जाता है, ताकि शिक्षक आंदोलन करे और आम जनता के नजर में शिक्षकों को गलत साबित करे, उनको खलनायक साबित कर दें, इसी फेर में सरकार लगी रहती है।
इसी उद्देश्यपूर्ण में सरकार लगी रहती है और इस तरीके के कार्य करने के लिए पदाधिकारियों को नियुक्त भी करती है। तो कुल मिलाकर कहें कि ये जो नियमावली है ये बिल्कुल ही खोखला साबित होने वाला है और इस नियमावली से बिल्कुल ही जो पूर्व के बहाल नियुक्त शिक्षक है जो सक्षमता पास किए हैं उनको बेनिफिट नहीं होता हुआ नजर आ रहा है। हाँ बिल्कुल थोड़ा बहुत फायदा उनको ही हो रहा है जो लोग बाहर पहले से ही छठे चरण में बहाल थे उन लोगों को फायदा होता हुआ नजर आ रहा है, उनके लिए अच्छा है, बीपीएससी वाले के लिए अच्छा है। लेकिन जो सक्षमता पास किए हैं जो नियोजित हैं जो 17 साल 18 साल 20 साल से नौकरी कर रहे हैं उनके लिए यह नियमावली बिल्कुल ही घातक साबित होगा क्योंकि अपना घर बार छोड़ना पड़ेगा, अपने बच्चों से दूर जाना पड़ेगा, अपने माता पिता से दूर जाना पड़ेगा, अपना घर परिवार जो समाज है उसको छोड़ के जाना पड़ेगा नौकरी के लिए। साथ ही साथ जो शिक्षिकाएं बहुत खुश हो रही थी, जो शिक्षिकाएं जो नीतीश जी की बहुत मानिए कि चहेती हुआ करते थे, नीतीश जी को वो बहुत लोग मानते थे कि नीतीश जी महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छा काज कर रहे हैं, लेकिन इस नियमावली में भी शिक्षक जो शिक्षिका हैं उनके साथ बिल्कुल ही भेदभाव किया गया है और उन्हें अपने पंचायत को छोड़ देना होगा, अपने मायके को छोड़ देना होगा, इसके अलावा आप दूसरे पंचायत में जाएं। लेकिन ये तो उनके लिए ठीक है, लेकिन जिनका पति भी अगर नौकरी में है इस नौकरी में और अगर वो जिला बदल होते हैं तो ऑटोमेटिक है कि वो दोनों फिर से अलग अलग हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर के अगर कहा जाए तो ये एक दिवा स्वप्न के रूप में सामने आया है और ये बिल्कुल ही जो शिक्षकों शिक्षक समाज को नागवार गुजरेगा और ये नियमावली बिल्कुल ही शिक्षकों के द्वारा एक सिरे से इसे खारिज कर दिया गया है, किसी भी तरीके से इसे एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है। शिक्षक नेता प्रदीप कुमार पप्पू ने भी इसको गलत नीति करार दिया है। इसके बाद आपको शशि रंजन सुमन जो कि शिक्षक संघ के नेता हैं तो उन्होंने भी इसका खिलाफत किया है, बंसीधर ब्रजवासी जी ने इसका खिलाफत किया है, संयोजक प्रणय कुमार ने भी इसका खुलकर के विरोध किया है और साफ तौर से कहा है कि यह नियमावली बिल्कुल ही शिक्षक विरोधी नियमावली है और इस नियमावली को सरकार को वापस लेना होगा अथवा संशोधन करना होगा, नहीं तो शिक्षक आंदोलन के मोड में है, आंदोलन करेंगे और कोई भी सरकार अगर इस तरीके से फरमान जारी करती है तो इसका खुल करके विरोध किया जाएगा, सड़क से लेकर सदन तक इसका विरोध किया जाएगा। तो ये कुल मिलाकर क्या कहें तो ये नियमावली बिल्कुल ही गलत नियमावली है, इसका विरोध हर स्तर से किया जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक जो अपना बहुमूल्य सुझाव है जरूर दीजिए। साथ ही साथ चैनल पर आप लोग अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षक।